नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं ग्रोथ प्लांटेश नर्सरी। आज हम बात करेंगे असाई बेरी या अखाई बेरी फार्मिंग के बारे में, जो पूरे विश्व भर में इस नाम से विश्वविख्यात है। अकाई शब्द की उत्पत्ति चुपी से हुआ है, जो ब्राज़ील के मूल निवासियों के द्वारा दिया गया है, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है वीपिंग फ्रूट, यानी कि रोने वाले फल। इन फलों का नेटिव प्लेस है ब्राज़ील और यह अमेज़न रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये पाम वैरायटी से ताल्लुकात रखते हैं और वहाँ की जनजातियाँ अपने खानों में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला फ्रूट है। इन फलों का आकार गोलाकार होता है। इनमें 80% सीड की मात्रा ज़्यादा होती है और 20% केवल पल्पनस होता है। इस कारणवश वहाँ के लोग इसे बड़े ही चाव से जूस बनाकर इसका सेवन करते हैं। जिस प्रकार सुपारी के झाड़ में सुपारी लगता है, ठीक उसी प्रकार ही ड्राफ्ट कैटेगरी में आप इन्हें अपने हाथों से तोड़ सकते हैं, क्योंकि इनका जो हाइट होता है वो 10 से 15 फीट का हाइट जाता है और आप 3 साल के अंतराल में ही आप इसकी फ्रूटिंग ले सकते हैं। इसमें जो फ्लावरिंग जो आता है वो 2 साल के अंतराल में ही इसका फ्लावरिंग आता है और इसका जो फ्लावरिंग का जो कलर होता है वो पर्पल रंग का होता है, जो बहुत ही अनोखा एवं खूबसूरत दिखाई देता है। और ये मध्य एवं दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है। कुछ अध्ययनों से ये पता चला है कि अकाई फल का गूदा क्रैनबेरी, रसबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरी की तुलना में एंटीऑक्सीडेंट से भी अधिक समृद्ध होता है। इन फलों में कुदरती तौर पर औषधियों का समावेश होने के कारण इंसानों के लिए एक रामबाण का काम करता है, जो हर प्रकार के रोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने की क्षमता रखता है और यही इसकी खास पहचान है। यह फल अपने आप में ही खूबसूरत एवं अनोखा होने के साथ साथ इन फलों में भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड जिंक और फाइबर कंटेंट की मात्रा अधिक पाया जाता है। इस कारण इसे सुपर फूड का खिताब मिल चुका है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ये एक अदना तोहफा होने के नाते हिंदुस्तान की हर प्रकार की मिट्टी और क्लाइमेट में लगने की क्षमता रखता है। इनके लिए उपयुक्त जलवायु अच्छी धूप, अच्छी ठंडी एवं अच्छी वर्षा होनी चाहिए। 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। अगर इसमें से थोड़ा कम भी होता है या इससे थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो भी आप इसके प्लांटेशन आसानी से कर सकते हैं। जल भराव वाला मिट्टी नहीं होना चाहिए, जल रिसाव वाली मिट्टी होनी चाहिए, जहाँ पे आपको कम टाइम पे एक अच्छा खासा प्रोडक्शन आपको मिल जाता है और आप इसकी हार्वेस्टिंग करके एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। असाई बेरी के लिए किसी भी तरह की स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी लोग हिंदुस्तान में अरेका नट की कृषि करते हैं या सुपारी की कृषि करते हैं, वो ठीक उसी प्रकार ही आपको इन पौधों की देखभाल करनी है। 365 दिन में भी इसका प्रोडक्शन बना रहता है। हाई क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा इसका डिमांड बना रहता है। अगर आप इसको कमर्शियल पर्पज़ से लेते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता है। कई सालों से हिंदुस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज इन बेरीज का जूस बेचकर कस्टमर तक पहुंचाती हैं और अच्छा खासा इनकम जनरेट करती हैं और कई प्रकार के रोगों से रोगमुक्त भी करता है। हो सकता है आप एक एंटरप्रेन्योर बनकर किसी और की ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। पौधे कहाँ से लें तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आप गवर्नमेंट नर्सरी से भी ले सकते हैं, प्राइवेट नर्सरी से भी ले सकते हैं, या आप मुझसे ड्राफ्ट या वाइल्ड कैटेगरी वाले पौधे भी कलेक्ट कर सकते हैं। हाउ टू ग्रो तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, 1 एकड़ की ज़मीन पे 12x12 के हिसाब से आप 300 से लेके 380 पौधे आप लगा सकते हैं, यानी कि लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस है वो 12 और पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस है वो 12। इस तरीके से आप डिस्टेंस मेंटेन करके भी आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। अगर आप हाई डेंसिटी फॉर्म में अगर आप लगाना चाहते हैं तो 1 एकड़ की ज़मीन पे 8x8 के हिसाब से आप 600 पौधे आप लगा सकते हैं। जिस प्रकार सुपारी में इंटरसी मंगला की जो वैरायटी है, ठीक उसी प्रकार ही आपको इसका प्लांटेशन करना है, क्योंकि यह ड्राफ्ट वैरायटी में आता है तो इसका जो हाइट है कम रहता है। जो भी व्यक्ति सिटी से दूर है तो उनके लिए थोड़ा लाभदायक होता है, क्योंकि आपको किसी प्रकार के लेबर के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं होती है और आपको अच्छा खासा यील्डिंग भी मिल जाता है। हार्वेस्टिंग कब और कैसे किया जाए तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। हार्वेस्टिंग आप अप्रैल से नवंबर के महीने में ले सकते हैं। वैसे साल में 365 दिन में भी इसका प्रोडक्शन बना रहता है तो आप इसकी हार्वेस्टिंग जब चाहे कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड एक्सपेंडिचर तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, 1 एकड़ की ज़मीन पे 12x12 के हिसाब से आप 300 से लेके 380 पौधे आप लगा सकते हैं। अगर आप इसे हाई डेंसिटी फॉर्म में या कमर्शियल पर्पस अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है, आप उसे आराम से पॉज करके देख सकते हैं।
अगर आप भारत के किसी भी शहर में रहते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर आपको इन पौधों की अगर ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दिया है। आप अपने घरों में, गार्डन्स में, आउटडोर प्लांट्स के तहत, खेतों के मेड़ों पर, इंटरक्रॉपिंग तहत या ऑर्नामेंटल या शो प्लांट के तहत भी आप इसके प्लांटेशन कर सकते हैं। 365 दिन इसमें फ्रूटिंग बना रहता है और आप इन फलों का लुफ्त भी उठा सकते हैं। आपका एक कदम किसी और की ज़िंदगी भी बदल सकता है और कई प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिल सकती है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ करता हूँ दिल से। जय हिंद, जय भारत।